आंदोलन होते हैं, लेकिन सबसे अहम आंदोलन था क्योंकि मुंबई के लाखों गरीबों लोग अपना काम काज छोड़ के 8 दिन से आंदोलन में शामिल थे। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते। तो मुझे बताओगे मतलब रैली किस चीज की थी? ये रैली हम लोगों ने मानकुट मंडला की बस्ती जो तोड़कर आज 8 साल हो गए, तो उस 8 साल में सरकार ने हर बार केवल आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द मंडला की बस्ती बसाएंगे, जल्द से जल्द मंडला के लोग जो बेघर हैं उनको घर देंगे। हम इसके लिए आज़ाद मैदान गए क्योंकि हमारी मांग ही यही थी कि जल्द से जल्द राजीव आवास योजना को अमल में लाया जाए और जो भी बस्तियां पूरे मुंबई में तोड़ी गई हैं उनको घर के बदले घर मिले। जो हजारों के तादाद में लोग यहाँ से पैदल गए और वहाँ जो सुमैया गार्डन में लोग रुके, नाश्ता किए, बहुत सी परेशानी यहाँ पाई, पानी पीने के लोग गला सूखने लगा, जो पैर में थक गए चलने से बारी पड़ गया, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन के लिए उतरे जो जिनको घर पर उनको भी मालूम था कि हमारा आने वाले दिन में हमारा क्या फ्यूचर होगा। हाँ, हम लोगों ने पहले BSUP योजना के अंतर्गत अपने ज़मीन को मांगा था क्योंकि हीरानंदानी को जब लीज पर ये 40 पैसे एकड़ से ज़मीन दे सकते हैं, तो हमने मंडला की ज़मीन हमने कहा था कि जहाँ के लोग मंडला में रहते हैं उनकी ज़मीन है, तो हम वो 40 पैसा एकड़ से उनसे मांग रहे थे सरकार से कि वो 40 पैसे एकड़ से ले रहे, तो हम 40 रुपये एकड़ से लेने के लिए तैयार है। शैलजा कुमारी जी के साथ जब दिल्ली में हमारी बात हुई तो पता चला कि ऐसी एक योजना है जिसमें मुंबई के गरीबों के विकास के लिए ये पैसा खर्चा करके उनका विकास किया जाए। तो उन्होंने सीताराम कुंटे जी ने कहा कि अगर गरीबों के लिए घर नहीं है और ऐसी अगर योजना है तो उसका हम अमल बजावनी करेंगे और जल्द से जल्द राजीव आवास योजना के लिए मंडला मानकुट का एक प्रोजेक्ट तैयार करके हम तुरंत उसको आगे भेजेंगे और आगे भेजकर सबसे पहले मंडला एक बस्ती है इसका पायलट प्रोजेक्ट बोलकर हमारे CM साहब ने इसकी घोषणा की थी, तो मंडला की बस्ती का सबसे पहले हम काम करेंगे। 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारी रैली वहाँ पर मौजूद थी और 10 तारीख से 1 तारीख तक हम लोग का सवाल यही था के मंत्रालय जाना और मंत्रालय से आज़ाद मैदान में आना, लिखित दिए हैं उन्होंने कि 1 महीने के बाद हम लोग मंडाला का काम पूरा करेंगे। प्रशासन ने ये तो कहा है कि वो हमें 1 महीने के अंदर राजीव आवास योजना पर कार्यवाही करेगी, अगर वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम सब मिलकर मंत्रालय में कार्यवाही करेंगे। मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।